उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ के मंडली सम्मेलन का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक यादव के अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गविजय, उपाध्यक्ष जयप्रकाश, राधेश्याम सिंह, रविन्द्र नारायण दुबे, ओम प्रकाश जी, अजय कुमार, उदय प्रताप सहित अन्य पदाधिकारी और चकबंदी लेखपाल मौजूद रहे। सम्मेलन में चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में विलय किए जाने के फैसले पर सरकार के निर्णय की सराहना की गई और कहा गया कि सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसे ईमानदारी पूर्वक निभाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में लेखपालों के विभिन्न समस्याओं के समाधान किए जाने की चर्चा की गई तथा 21 नवंबर को निकाले जाने वाले मशाल जुलूस की सफलता की रणनीति भी तैयार की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गविजय और प्रदेश अध्यक्ष आलोक यादव ने कहा, जबरदस्ती ड्यूटी में ढकेल दिया जाता है, पर कभी हमारे संघ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैनुअल में मैंने पढ़ा था उसमें सिर्फ लेखपाल शब्द है, और सिर्फ लेखपाल शब्द रहता है तो राजस्व लेखपाल होता है, चकबंदी लेखपाल नहीं होता। चकबंदी लेखपाल के पद के लिए चकबंदी लेखपाल शब्द प्रयोग किया जाता है, उसमें शिक्षक लगाए जा सकते हैं जो सामान्य रूप से कार्यरत है या आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए चकबंदी लेखपाल का कोई भी नहीं। अब चूंकि ड्यूटी का मामला है तो आप लेखपाल ड्यूटी कीजिए, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वही राजस्व लेखपाल सुपरवाइजर बना दिए जाते हैं और हमारे विभाग के लेखपालों के विलंब कर दिए जाते हैं, जबकि हमारे विभाग हमारा संगठन बिल्कुल मौन रहता है। हमारे विभाग के अधिकारी वहाँ पर हाथ पाड़ कर देते हैं, वहाँ पर साफ सुन जाता है। चकबंदी लेखपाल संघ की तरफ से मंडल की समीक्षा बैठक चल रही है, जो आज गोरखपुर और बस्ती मंडल की संयुक्त मीटिंग हो रही है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जो बात हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो ये है कि इस समय जो राजस्व का महासंघ बना हुआ है चकबंदी विभाग के विलय के खिलाफ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि चकबंदी विभाग के जितने भी लेखपाल हैं, यदि वो चाहेंगे तो हम उनके 40,000 के स्थान पर 4,000 लेखपाल उनका कार्य उनको करके दिखा देंगे। और उनका घबराना सिर्फ इसी बात का है कि ये इस विभाग में आ गए तो हम लोग जो कार्य करते आ रहे हैं, जो कार्य की उनको जानकारी नहीं है या सिर्फ फ़ायदा ले रहे हैं, वो उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि काम के आगे फिर धोखाधड़ी नहीं चलती, काम के आगे सिर्फ काम चलता है, काम दिखता है। तो उन्हें निश्चित रूप से इस चीज़ का ही भय है चकबंदी वालों से, चकबंदी लेखपालों से, कि ये लेखपाल अगर इस विभाग में आ गए तो निश्चित रूप से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मेरा पुनः अनुरोध उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संगठन की तरफ से, हमारी बात आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए, माननीय शासन स्तर तक पहुँचाइए कि चकबंदी विभाग का एक एक कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है, जो सरकार का निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा, और हम चाहते हैं हमें ससम्मान राजस्व लेखपाल पद पर मर्ज किया जाए। धन्यवाद। आज चकबंदी लेखपाल संघ का मंडली सम्मेलन है, जिसमें राज कर्मचारी संयुक्त परिषद इनके हर कार्य में समर्थन करता है। आज अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया है, चूँकि आगामी आंदोलन की रणनीति 21 नवंबर को मशाल जुलूस है, जो 18 सूत्री मांग को लेकर के राज कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। हम लोग भी जन जागरण के माध्यम से समस्त विभागों में अपनी बातों को रख रहे हैं, और राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज सारे कार्यक्रम को मैं साझा कर रहा हूं। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि 21 नवंबर को जुलूस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस कार्य में शिरकत करें और आंदोलन को कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसलिए आज मैं इस मंडली सम्मेलन में शिरकत कर रहा हूँ।